हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी 8th क्लास है गुडविल चैप्टर की। पिछली क्लास में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल पर्पस के लिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल एवरेज में हम प्रॉफिट का एवरेज जो सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से लेते हैं, और वेटेड एवरेज में हम वेट की मदद से, यानी वेट को कंसिडर करते हुए प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि वेट होता क्या और क्यों लिया जाता है। वही एग्जाम्पल जो हमने पिछली क्लास में लिया था, या पिछली क्लास में मैं लेता चल रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए, वही हम कंटिन्यू करेंगे। राम एक बिजनेसमैन है, उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, उसकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का वो प्रॉफिट कमाता है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इस एग्जांपल के लिए क्योंकि पहले कर चुके हैं। श्याम उसका फ्रेंड है, वो उसको पता है कि अगर वो खुद ही बिजनेस करेगा, वो भी ये बिजनेस करना चाहता है, उसको पता चला खुद बिजनेस करेगा तो 3 सालों तक कुछ नहीं कमाएगा, इसलिए वो राम का बिजनेस खरीदना चाहता है। राम उसको बिजनेस बेचना चाहता है, लेकिन वो बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहा है जो कि गुडविल है, क्योंकि वो कहता है कि ये बिजनेस स्टैब्लिश्ड है और मेरा बिजनेस जब तू ले जाएगा तो तुझे इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने को मिलेगा जो कि मैं नहीं कमा पाऊंगा, वो मैं तुझे आज ही तुझसे ले रहा हूँ, जो कि गुडविल की फॉर्म में वो लेता है, सेलर डिमांड करता है। श्याम इस बात से एग्री कर जाता है। तो हमने एक फर्स्ट केस में क्या था कि वो जितनी डिमांड करता है एक्स्ट्रा वो पे कर देता है, तो वो सिंपल तरीके से वो गुडविल निकल जाता है जिसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की। दूसरे केस में हमने देखा था कि श्याम उसको बोलता है कि भाई नहीं, हमें एवरेज लेना चाहिए प्रॉफिट्स का, एवरेज प्रॉफिट लेना चाहिए, पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना चाहिए, वो है सिंपल एवरेज मेथड में। अब तीसरा जो केस हम कर रहे हैं वो है वेटेड एवरेज, जिसमें कि सेलर कहता है कि भाई देख, श्याम को यानी बायर को ये कहता है कि भाई मैं सिंपल एवरेज नहीं लूँगा, मैं वेटेड एवरेज लूँगा, कि भाई देखो ये जो मेरा बिजनेस है ये ग्रो कर रहा है और मुझे पता है मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा, आगे जाके ये और कमाएगा, तो मैं जो बिजनेस बेच रहा हूँ ये ग्रो करने वाला बिजनेस है, ये ग्रो करता जा रहा है, पहले 1,20,000 कमाया था, फिर गिरा था, लेकिन फिर बढ़ भी रहा है। तो सेलर वहाँ पे उसको कहता है कि भाई मैं जो प्रॉफिट लूँगा करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए जो मैं प्रॉफिट लूँगा उसको मैं वेट लेके चलूँगा। वेट कैसे लूँगा कि भाई मैं इसको पुराने वाले को 1 बार काउंट करूँगा, इसको मैं 2 बार काउंट करूँगा, इसको मैं 3 बार काउंट करूँगा और इसको मैं 4 बार काउंट करूँगा। 4 बार काउंट करने का मतलब क्या है, भाई इसको ये वेट ज़्यादा, इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहा है। इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने के लिए क्या होगा कि अगर मैं इन चारों को ऐड करके डिवाइड करूँ 4 से, तो इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इंपॉर्टेंस सेम मिल रही है चारों को अगर मैं सिंपल एवरेज करता हूँ तो। जिस बात के लिए राम एग्री नहीं कर रहा है कि भाई जो हमारा लेटेस्ट ईयर है, अब मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मैं इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना चाहता हूँ। अब इंपॉर्टेंस ज्यादा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो क्या करता है, इसको कम इंपॉर्टेंस देना चाहता है, इसको उससे ज्यादा, इसको उससे ज्यादा, इसको उससे ज्यादा, ऐसे इंपॉर्टेंस देना चाहता है। हर क्वेश्चन में हमें मेंशन हो या ना हो, हम जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंस ज्यादा देने के लिए जब सिंपल एवरेज था तब वो हर किसी को, अगर मैं सिंपल एवरेज में चारों को ऐड करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा, तो सबको एक एक बार काउंट किया, तो सिंपल एवरेज उसमें आपको सबको एक एक इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जो वेटेड एवरेज में होता है कि आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना चाहते हो नए साल को और पुराने साल को कम काउंट करना चाहते हो, उसको कहते हैं वेटेड एवरेज। और ये कौन कहता है, राम। जब भी बायर सेलर आपस में कोई बात कहते हैं तो इन दोनों को एग्री करना पड़ता है। पहले केस में दोनों एग्री कर गए थे सिंपल करने के लिए, इस केस में राम उसको कन्वेंस कर लेता है कि भाई वेटेड लेना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, और शाम भी अग्री कर जाता है तो वेटेड से वो गुडविल निकाल लेंगे। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि गुडविल निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं और कौन एक दूसरे को कन्वेंस करता है। तो फिर सेलर उसको कन्वेंस करता है कि भाई मैं इसको वेट दूंगा 1, इसको दूंगा दुगुना, इसको 3 गुना और इसको 4 गुना, ताकि इसको ज़्यादा बार काउंट करूँगा, इंटू करूँगा तो ज़्यादा बार काउंट होगा, यानी 2 लाख को 4 बार लिखूँगा, 1.5 लाख को 3 बार लिखूँगा, 80,000 को 2 बार लिखूँगा और 1,20,000 को 1 बार लिखूँगा, यही वो वेट देना चाहता है। तो जब यहाँ पे टोटल करेंगे, इंटू करने के बाद इसका टोटल कर लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 4 से नहीं, इसको कितनी बार गिना, 4 बार, इसको 3 बार, कितना हो गया, 7, इसको कितनी बार गिना, 2 बार, 9, इसको कितनी बार गिना, 1 बार, 10, यानी 10 से। जब प्रॉफिट 10 है तो डिवाइड भी किससे होगा, 10। कैसे प्रॉफिट लिया, 1.2 एक बार प्लस 80K प्लस 80K 2 बार प्लस 1.5 लाख 1, 1.5 लाख 2, 1.5 लाख 3 और 2 लाख
2 लाख 4 बार, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, ऐसे काउंट करेगा, डिवाइड बाय 10 करेगा, उसको कहते हैं वेटेड एवरेज। यानी वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में अंतर है कि वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज में हम हर एक प्रॉफिट को सेम इंपॉर्टेंस देते हैं, सबको एक एक बार काउंट करते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में जो हम लेटेस्ट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको ज़्यादा वैल्यू से, उसको ज़्यादा बार काउंट करने के लिए उसको ज़्यादा अमाउंट से इंटू कर देते हैं, 4, 3, 2 जितने भी साल होंगे उस हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखना है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में जिस साल को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्वेश्चन बोलता है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो तो हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्वेश्चन बोलता है इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा तो इसको ज़्यादा देंगे, यानी क्वेश्चन बोलता है इसको 5 दो, यानी 4 इसको दो, 3 इसको दो, इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो हम वैसे करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन मेंशन ना हो तो लेटेस्ट ईयर को, जो सबसे नया साल है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उससे पहले वाले को उससे कम, उससे पहले वाले को उससे कम, और उससे पहले वाले को उससे कम, ऐसे काउंट करके इंटू करके हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो समझ में आएगा, सिंपल है, वैसे सिंपल एवरेज की तरह ही ये वेटेड एवरेज बेसिक, इसमें यही चीज़ सेम है। तो हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं वेटेड एवरेज के, जितने भी क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन है ये दिया हुआ, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो न्यू एडिशन की बुक है 2020 की, 2020 की जो एडिशन बुक है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं गुडविल चैप्टर में, वो कम दिए हुए हैं, यानी कि हर टॉपिक के उन्होंने क्वेश्चन कम किए हुए हैं, और जो 2019 एडिशन की बुक है उसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। तो हम जो 2020 के हिसाब से, यानी कि जितने भी क्वेश्चन 2020 में हैं वो 2019 में भी हैं, लेकिन जो 2019 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो 2020 में नहीं है। तो हम वो जो क्वेश्चन 2020 वाले वो सारे कर लेते हैं, और जिन बच्चों के पास 2019 की बुक है वो अपने वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकता है, कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। जो क्वेश्चन 13 है ये एडिशन 2019 में, ये 2020 में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट है फर्म का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, वर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है आगे पढ़ेंगे, 5 साल का प्रॉफिट ही दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी 3 साल का परचेज मानना है हमें, 3 साल से इंटू करना है, और किस अमाउंट से इंटू करना है, वेट लेना है, वेटेड एवरेज, यानी वेटेड एवरेज मेथड से करना है, आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19। तो उन्हें क्या बोला है कि प्रॉफिट का, 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और 3 साल से इंटू करना है, लेकिन एवरेज लेने से पहले आप उनको वेट असाइन कीजिए, जो 2015 साल है उसको 1 देना और रिस्पेक्टिवली ऐसे बढ़ते जाना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना है, पुराने साल को फर्स्ट और जो नए साल को लेटेस्ट को सबसे ज़्यादा वेट देना। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैंने पहले ही फॉर्मेट लिखा हुआ ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है एडिशन 2019 में, और क्वेश्चन नंबर 10 है एडिशन 2020 में। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फिर वही सेम वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज क्या होगा भाई, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल रहा है वेट का, और वेट जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे, जितनी बार हम प्रॉफिट को काउंट कर रहे हैं उतनी बार ही नीचे लेंगे, साल से नहीं, काउंट 10 बार कर रहे हैं तो 10 बार, 10 प्रॉफिट ले रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 2015-16 का जो प्रॉफिट दिया वो देख लेते हैं एक बार, 20, 24, 30, 25, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। क्वेश्चन में मेंशन है कि वेट ऐसे देनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेंशन नहीं होती तब भी हम ऐसे ही देते, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही दिया तो वैसे ही करेंगे। ये कितना आ गया हमारा, 20, 48, 90, 1 लाख, और ये कितना आ गया हमारा, 90,000। इनका टोटल कितना है, 3,48,000। अब हमने 20,000 को एक बार काउंट किया, इसको 2 बार, इसको 3 बार, तो प्रॉफिट कितना होगा, 3,48,000। जब प्रॉफिट हमारा इतना आ गया, क्या ये 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं था, 5 साल का प्रॉफिट तो इतना था, लेकिन हमने इसको 348 बनाया, यानी इनको जितनी बार काउंट किया वही हमारे ईयर भी चेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 15, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15। तो यानी कि वही सेम चीज है, हमने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वेट लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर्स ही तो है, हमने यहाँ पे 15 बार प्रॉफिट लिया ना, तो 15 बार प्रॉफिट कितना आया था, 3,48,000, और 15 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या है,
23,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, 23,200 × 3 = 69,600। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्वेश्चंस को, क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बीच में तो उसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तो उनमें टाइम लगाएंगे, जो छोटे मोटे पॉइंट हैं क्वेश्चंस हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 एडिशन में 14 और 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 11। तो ये अगला क्वेश्चन हम करते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ऑन 1 April 2019 सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 share ऑफ द प्रॉफिट। भाई दो पार्टनर थे, एक और पार्टनर आ रहा है, तो यानी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम कहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, फॉर द पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज। दो साल का परचेज मानना है, 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज को ही हमने परचेज से इंडू करना है, 2 साल के परचेज से। आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर की रेम्यूनरेशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका एवरेज लेना है। क्या क्वेश्चन लिखा है, 2 year परचेज मानना है ऑफ द लास्ट 3 year प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, 2 साल का परचेज मानना है। आफ्टर अलाउंग, क्या अलाउ करने के बाद, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर रेम्यूनरेशन का सैलरी आपको पता है, सैलरी होती है जो हम पेमेंट करते हैं नॉर्मली अपने एम्प्लॉय को, वो सैलरी होती है। रेम्यूनरेशन इज ब्रॉडर टर्म देन सैलरी, ये आप नॉर्मली हम सैलरी ही बोल देते हैं, लेकिन सैलरी खाली सैलरी नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो पार्टनर को पर्क्स या बोनस या बहुत सारे बेनिफिट अदर्स मिलते हैं जो फर्म देती है अपने पार्टनर को, वो सब रेम्यूनरेशन में आता है। कैश में हो या नॉन कैश में, जो भी बेनिफिट एक फर्म अपने पार्टनर को देते हैं वो रेम्यूनरेशन में आता है। तो यानी जो साल में रेम्यूनरेशन मिल रहा है पार्टनर का, वो भी माइनस करना है प्रॉफिट में से, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम उसको वेट से इंटू करना, और फिर हमें उसका एवरेज निकालना है। तो यानी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बता रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो 2 साल को परचेज मानना है और लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है हमने, पार्टनर की रेमुनेशन माइनस करने के बाद। आफ्टर लाइंग पार्टनर रेमुनेशन, प्रॉफिट टू बी वेटेड, प्रॉफिट को वेट भी देना है, बाद में बताया वेट देने के लिए, मतलब हमें प्रॉफिट 3 साल का दिया होगा, उसमें से रेमुनेशन माइनस करनी है, फिर हमें वेट देना है। द ग्रेटर वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, यानी जो सबसे लेटेस्ट ईयर है, सबसे नया साल है, उसको हमने सबसे ज़्यादा वेट देना है। नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, वही देना होता है, जो क्वेश्चन में मेंशन भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रेमुनेशन वर 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये रेमुनरेशन देने से पहले का प्रॉफिट दिया, यानी कि आपको बाद वाला चाहिए, आपको पहले वाला दिया तो बाद वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, आपको रेमुनरेशन माइनस करनी पड़ेगी। तो भाई आपको पहले वाला प्रॉफिट दिया है, बाद में पहुंचना है, तो रेमुनरेशन माइनस कर दूँ। तो द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर है इनके दो, गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर आने के समय कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेमुनरेशन किसकी माइनस होगी, पिछले दो पार्टनर की ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, ईच पार्टनर नहीं बोला, पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की रेमुनरेशन कितनी बनती है, 90,000 पर एनम, यानी टोटल दोनों पार्टनर की रेमुनरेशन मिला के कितनी बनती है, 90,000। 90,000 अलग अलग नहीं, ए की 90,000, बी की नहीं, ऐसे नहीं, टोटल रेमुनरेशन, या तो ये क्वेश्चन में लिखा होता रेमुनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, एक एक पार्ट, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की रेमुनरेशन, यानी दो पार्टनरों की रेमुनरेशन हमें 90,000, तो फिर 180 माइनस करना पड़ता हर साल। लेकिन उन्होंने क्या बोला, 90,000 पर एनम पार्टनर्स की रेमुनरेशन, यानी दोनों की कंबाइंड ही बताई होगी, जब ईच वर्ड यूज़ नहीं किया है। ये पॉइंट है जिसमें गलती हो सकती थी, और एक पॉइंट ये था कि आप तीन पार्टनर, अगर ईच पार्टनर लिखा होता तो आप कहीं तीन पार्टनर की रेमुनरेशन माइनस ना कर देते। भाई हम गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आने के समय कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आया नहीं है, वो एडमिट नहीं हुआ, एडमिट करते वक्त हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे पहले वाला प्रॉफिट ही बता रहे हैं ना, तो पहले वाले प्रॉफिट में पार्टनर होंगे पहले वाले, वही तो माइनस होगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पहले मैंने इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह, गुडविल ए क्वेश्चन नंबर 14 है 2019 में, क्वेश्चन नंबर 11 है एडिशन 2020 में। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेट निकालना है, वेट निकालने के लिए हम प्रॉफिट जो भी आएगा वेट इंटू करने के बाद उसको प्लस कर लेंगे, और टोटल ऑफ वेट कितनी बार काउंट किया है प्रॉफिट को उससे डिवाइड कर लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, तो प्रॉफिट कितना दिया था भाई 3 साल का, यहां से क्वेश्चन सही होगा, ये 2 लाख का दिया था, और अगले साल का प्रॉफिट कितना दिया था 2,30,000 का, अगले साल का प्रॉफिट क्या था 2,50,000 का,
तो भाई इसमें से हमें 90,000 माइनस करना है और जो प्रॉफिट बचेगा उसको इंडो करना है वन से, इसको भी 90,000 का, इस साल का हर साल 90-90 है। तो अब ये मत करना कि 270,000 लास्ट में माइनस कर दो, ये मत करना, ये भी हो सकता है लेकिन अब ये सही अच्छा तरीका है कि उसमें वेट से भी इंटू हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 1,00,000, एक साल से इंटू करना है 1,10,000, यह आएगा 1,10,000। 2,30,000 माइनस 90 कितना होता है, 1,40,000 इंटू 2 कितना होगा, 2,80,000। 2,50,000 माइनस 90, 1,60,000 इंटू 3 कितना होगा, 4,80,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं, 8,70,000। और ये वेट कितना दिया हुआ है, कितने बार साल काउंट हो गए, 6 बार। तो ये कितना आएगा हमारा, 8,70,000 डिवाइड बाय 6। भाई प्रॉफिट आप ले रहे हो 8,70,000, दो बार, दो एक को तीन बार, एक को दो बार काउंट करो तो ईयर भी तो चेंज होंगे ना यार, तो तीन वेट से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 1,45,000। और फिर आ गया हमारा ये 1,45 × 2 है ना, 2 है, तो कितना है हमारा गुडविल, 2,90,000। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो एक बात ध्यान रखनी है भाई, अभी हमारे क्वेश्चन हो गए हैं सिंपल तरीके वाले, मतलब जिसमें हमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। अब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन दो ही दिए हैं 2020 के एडिशन में, दो ही एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन दिए, उनमें सारे अच्छे एडजस्टमेंट है जो कि हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप घर में ट्राई कर लेना, फिर अगली क्लास में हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एडिशन 2019 में, और वह क्वेश्चन नंबर 14 एडिशन नंबर 2020 में। मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये मनबीर एंड निमृत आर पार्टनर एंड दी एडमिट अनाहत इनटू पार्टनरशिप, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। भाई 3 साल का भाई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके रीज़न क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ही मैंने बताया, बाकी जो है पार्टनरशिप चैप्टर करेंगे तब। तो भाई गुडविल कैलकुलेट करने में मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, 3 साल का परचेज मानना है ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। और वेट असाइन टू ईच ईयर इज 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 to 2019, यानी 15 को एक देना है, उसके बाद 2, 3, 4 और 19 को सबसे ज़्यादा 5, ये इन्होंने बोला। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बोला सिंपल सा, यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 ईयर्स का परचेज माना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल है, और वेटेड एवरेज लेना है 5 सालों का, और 5 सालों के जो प्रॉफिट है उनको वेट कैसे देना है, 1, 2, 3, 4, सबसे पुराने साल को 1 वेट देना है, उससे अगले 2, और सबसे लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट देना है। फिर उन्हें प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर वर 70, 1,40,000, 1,00,000, 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। एक बात ध्यान रखना, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम पहले एडजस्टमेंट करने के बाद सही प्रॉफिट निकालेंगे तो जाके वेट देंगे। जैसे पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया था तो रेमुनरेशन माइनस की थी, क्योंकि रेमुनरेशन माइनस करना रह गया था, तो वो भी एडजस्टमेंट ही होगी ना एक तरह की। लेकिन एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई गलती ठीक करनी होगी आपने, कोई गलती है जो ठीक करनी है, उसके बाद आपने वेट इनटू करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था, हम वेट देने से पहले सही प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट सही होगा तभी तो वेट से इनटू करेंगे। देर वॉज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 में एक हमें एबनॉर्मल लॉस था, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, क्योंकि वो माइनस वाली चीज़ होती है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। दे वॉज ए एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे गेन है, इसको क्या करेंगे, माइनस। तो यानी कि ये 2 पॉइंट में कोई बड़ी बात है कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। अब ये क्वेश्चन है पॉइंट समझने का, जो कि आपको समझना चाहिए, जो कि मैं अगली क्लास में भी करवा दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर 18 में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, समझाता हूँ, समझिए इसका क्या एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग, एक चीज़ पॉइंट याद रखना,
क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट होगी दो अलग अलग साल में। कैसे? अब ये कह रहे हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं सिर्फ। आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और यहां पे आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक डाला, ये है ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। ये 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड बाय 10,000। आपने यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा डाल दिए। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको 10,000 हटा देता हूँ और बोलता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरा ओपनिंग स्टॉक होता 5,000 का, मेरी यहाँ पे परचेज होती 10,000 रुपये की और यहाँ पे मेरी सेल होती 15,000 रुपये की और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होता यहाँ पे 5,000 का, तो ये मेरा कितना होता? 20,000। 20,000 में से मेरे 15 गए तो मेरा कितना बच गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 5,000। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है? 5,000। अब इन्होंने बोला है कि इस साल में आपने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया 10,000। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यू मतलब वैल्यू ओवर कर दी, ऊपर कर दी 10,000। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यू मतलब प्लस कर दी गलती से। तो आपने यहाँ पे 5,000 कितना कर दिया? 15। तो एक बात बताइए, ये जो 15,000 हैं, 10,000 जो बढ़ गई, इसकी वजह से क्या होगा? आपका ये कितना हो गया होगा? 30,000। और इसकी वजह से क्या हो गया आपका? ये 15,000। तो क्या आपका प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ गया? जीपी, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से आपका जीपी भी बढ़ गया, और जीपी बढ़ेगा तो जीपी बढ़ने से आपका नेट प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ जाएगा। तो यानी कि 10,000 आपका रॉन्ग बढ़ा है, यानी जब क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा दिया आपने तो आपका जीपी भी बढ़ गया उतना ही, और उतने से आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जीपी कहाँ जाता है? बाय जीपी कहाँ जाता है? 15,000 यहाँ पे जाएगा पीएनएल अकाउंट में। जब पीएनएल अकाउंट में जीपी जाएगा 15,000 जो कि 5,000 होना चाहिए था, तो आपका नेट प्रॉफिट भी 10,000 से ओवर वैल्यूड हो जाएगा, 10,000 से ओवर वैल्यूड। यानी क्लोजिंग स्टॉक का फर्क क्या पड़ेगा? आपका उतने ही अमाउंट से आपका नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट कुछ है, मान लो यहाँ पे 30,000 आ रहा है, तो यानी इसके अंदर 10,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आपको? 10,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी आपने क्या करना है, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपके दिमाग में, आपने 11th पढ़ा है तो आपके दिमाग में ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छप जाना चाहिए। भाई क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जो कि गलत है, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। अब एक बात देखिए, मैंने बोला कि जो क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट होगी, यानी कि 2018 में 31 मार्च 2018 का जो ईयर होगा उसमें हम क्या करेंगे? माइनस 10,000 करेंगे, और जो 2019 का साल होगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जिस साल को हम कंसीडर कर रहे हैं उस साल में 10,000 प्लस होगा। यानी कि दो एडजस्टमेंट होती हैं, इस साल में 10,000 माइनस होगा, अगर माइनस होना है तो, अगर यहाँ पे प्लस, अगले साल में प्लस होगा। अगर हमने यहाँ पे अंडर वैल्यूड कर रखा होगा, 10,000 हमने कम डाल रखा होता, एक्चुअली में 15,000 होना चाहिए और हमने 5,000 डाल रखा होगा, तो हमारा जीपी भी 10,000 से कम हो जाएगा, जीपी 10,000 से कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी 10,000 से कम हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 प्लस। और जब हम 10,000 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम 10,000 माइनस करेंगे। अब माइनस क्यों करते हैं? ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि 10,000 माइनस की, 10,000 प्लस की, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं प्लस माइनस, ये क्यों कर रहे हैं? अगले साल में, इस साल में माइनस है तो अगले साल प्लस क्यों कर रहे हैं? तो ये देखिए, जो इस साल का प्रॉफिट है, अब आपका ये 2018 का जो क्लोजिंग है ये गलत है, तो अगले साल में भाई यही जो 2019 है का ट्रेडिंग अकाउंट है, अगले साल में यही तो ओपनिंग होगा 15,000, और जब आपका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो ये हम ये मान रहे हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले साल का वो ठीक डाला होगा आपने, उसको तो सही डाला होगा, उसमें भी गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं की होगी, लेकिन आपने जो ओपनिंग स्टॉक गलत डाला हुआ है तो उस ओपनिंग स्टॉक गलत होने की वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इसमें 10,000 ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा डाला हुआ है तो इसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा,
तो नेट प्रॉफिट को ठीक करने के लिए कम को प्लस करना पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने समझाना था, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना खुद एक बार। तो तब तक के लिए थैंक यू।